तक पहुंच जाएंगे, जो कि एक पिछले 10-12 साल का रिकॉर्ड होगा कि इतनी स्नोफॉल के बावजूद हमने इस रोड को क्लियर किया है। हालांकि जीरो पॉइंट पहुंचने के बाद 5-7 दिन हमें रोड को और इम्प्रूव करने में लगेंगे, उसके बाद ही सिविल ट्रैफिक इस रोड पर चल सकेगा। ज़रूरतमंद गाड़ियों के लिए कब तक इस रोड को आप छोड़ेंगे सर? इमरजेंसी पैशन पेशेंट के लिए कब तक अलॉट किया जाएगा? देखिए, एक बार हम लोग जीरो पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद इस पर ट्रायल कॉन्वॉय पुलिस और आर्मी के द्वारा रन किया जाएगा और साथ ही साथ हमारा इम्प्रूवमेंट का काम भी चलता रहेगा। जिस दिन ये ट्रायल कॉन्वॉय सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद 4x4 गाड़ियों को धीरे धीरे लाइट व्हीकल को और उसके बाद फिर हैवी व्हीकल को छोड़ेंगे। बट मेरे हिसाब से इस महीने के एंड तक काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो जानी चाहिए। तो हमारे सुनने में आ रहा था, रात को एक न्यूज़ हमने पढ़ा था कि वहाँ से बेकन वालों जीरो पॉइंट तक पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं, ये बात कहाँ तक सच है? बेकन आज दिन में जीरो पॉइंट पहुँच गया है और हम लोग का भी जो लीडिंग डोजर है वहाँ से करीब 2 किलोमीटर है जीरो पॉइंट, और जो हमारी पूरी कोशिश है जीरो पॉइंट आज रात तक या कल शाम तक तो हम हर हालत में जीरो पॉइंट पहुँच जाएंगे।